प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर हैं, जहां राज्य को 660 करोड़ की सौगातें दी गई हैं। साथ ही साथ 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी ने। झारखंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने एक जनसभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा है कि पहले विकास कुछ जगहों तक सीमित था, झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। रेल कनेक्टिविटी से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब देश की प्राथमिकता गरीब और आदिवासी हैं। इन तमाम बातों का वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है जिक्र। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है, अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है, अब देश की प्राथमिकता देश का दलित वंचित और पिछड़ा समाज है, अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान है। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य हर शहर वंदे भारत जैसे हाईस्पीड ट्रेन चला चाहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी, और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटानगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हुए हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। आप सभी जानते हैं आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा वैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटा नगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है, यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह के बीच यात्रा की भी काफी समय कम हो जाएगा। आज हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी गई है। इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का शुरू करने में सुविधा होगी। कुरफुरा से कनाड़वा तक रेल लाइन का दोहरीकरण होने से झारखंड में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। इस सेक्शन से दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब स्टील उद्योग से जुड़े माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। साथियों, झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में निवेश भी बढ़ाया है और काम की गति भी तेज की गई है। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट दिया गया है। अगर हम इसकी तुलना 10 साल पहले मिलने वाले बजट से करें तो 16 गुना ज्यादा है। रेल बजट बढ़ने का असर आप लोग देख रहे हैं। आज राज्य में नई रेल लाइन बिछाने, उनके दोहरीकरण करने और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। आज झारखंड भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों, आज यहां झारखंड के हजारों लाभार्थियों का पक्का घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई है। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर भी बनाकर दिया गया है।
घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। हमें याद रखना है, जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ भी ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि कुछ भी संकट हो तो भी उसके पास एक अपना घर तो रहेगा ही। और इसे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे, पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। साथियों, 2014 के बाद से देश के गरीब, दलित, वंचित और आदिवासी परिवारों को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। झारखंड समेत देशभर के आदिवासी भाई बहनों के लिए पीएम जनमन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से जनजातियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जो बहुत पीछे हैं। ऐसे परिवारों को घर, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा देने के लिए अधिकारी खुद उन तक पहुंचते हैं। ये प्रयास विकसित झारखंड के हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से संकल्प जरूर पूरे होंगे। हम झारखंड के सपनों को साकार करेंगे।